पुराने चीन की एक घटना है, बहुत प्रसिद्ध है ये कहानी चीन में। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में, वह सबके लिए चावल कूटता, सुबह से उठता चावल कूटता रहता, रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए, वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया, ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता चावल कूटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है, जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वो आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए जिसमें जीवन का सत्य उजगर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजगर होता हो, लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से
जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पे उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा तो चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था, इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वाह क्या बात कही है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरा जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं, और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इस एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 सन्यासी ये बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उसने भी उन 4 की बात सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने यह लिखा? यह सुन वह 4 सन्यासी चौंके और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए, तो अब तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूं, लेकिन बोल सकता हूं अगर कोई लिख दे तो। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन 4 ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कहा लिख दो जाकर, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहां से भाग जा वरना ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरा उत्तराधिकारी है
मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया, लेकिन अब तू इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये शास्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहां से चला जा। यह कहानी यही समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलुक पुत्र से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि अब आप काफी लंबे समय तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते, अब आप वर्तमान में जीते हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।